पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से कंप्यूटर की हेल्प से प्रिंटर में लाइनिंग प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से बिना कंप्यूटर की हेल्प से एप्सन के किसी प्रिंटर की लाइनिंग प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम प्रिंटर में हेड क्लीन नहीं होने की वजह से होती है। यदि हम प्रिंटर के हेड को क्लीन कर दें तो हमारे प्रिंटर की लाइनिंग प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एप्सन का L380 मॉडल का एक प्रिंटर है। यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा, इसी के बगल में आपको ब्लैक एंड वाइट कॉपी और इसी के बगल में आपको कलर कॉपी का एक बटन देखने को मिल जाएगा। इसी के जस्ट बगल में आपको रिसेट का एक बटन देखने को मिल जाएगा। हम इस रिसेट वाले बटन को कुछ सेकेंड के लिए दबा कर रखेंगे। जैसे हम इसे दबाएंगे यहाँ पर पावर वाली लाइट कुछ समय के लिए ब्लिंकिंग करने लग जाएगी और हमारा हेड क्लीन होने लगेगा। ये प्रोसेस 5 मिनट तक होती है। तो चलिए हम इसे दबाते हैं। ये देखिए हमारी लाइट जलने लग गई है और हमारी मशीन भी चल रही है। ये देखिए हमारा हेड क्लीन हो रहा है। ये प्रोसेसिंग 5 मिनट के लिए होती है। जैसे ही ये लाइट और जलना बुझना बंद कर देगी वैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन तैयार हो चुकी है और इस पर कोई भी लाइनिंग नहीं आएगी। अब आप आपके प्रिंटर से प्रिंटआउट निकाल करके देख सकते हैं, आपके प्रिंटर में किसी प्रकार की लाइनिंग नहीं आ रही होगी।